व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि इंडिया में सेकुलरिज्म को फॉलो कैसे किया जाता है, या इंडिया को सेकुलरिज्म इंडिया में लाने के लिए या इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाने के लिए क्या क्या किया गया है, वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट इज सेकुलर. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने मैंडेटरी कर रखा है या मैंडेट कर रखा है, आदेश दे रखा है कि इंडियन स्टेट जो होगा वो एक सेकुलर होगा. According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. पहला जो जो है constitution में जो पहला नियम बनाया गया है इंडिया को secular country बनाने के लिए वो है that one religious community does not dominate another. जो कोई भी एक religious community दूसरे religious community को dominate नहीं करेगी, प्रताड़ित नहीं करेगी, discriminate नहीं करेगी. Second, that some member do not dominate other members of the same religious community. यानी कि एक ही religious community के या एक ही धर्म के कुछ members जो हैं दूसरे members को dominate नहीं करेंगे. जैसे जो है untouchability में क्या था, जो upper class थे हिंदू धर्म में ही, जो upper class के हिंदू थे वो lower class के जो हिंदू हैं उनको discriminate करते थे, उनका छुआ हुआ खाना पसंद नहीं करते थे. तो इस तरीके से एक ही class में, एक ही religious community में जो है कुछ मेंबर्स जो हैं दूसरे मेंबर्स के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन या डोमिनेशन नहीं करेंगे. थर्ड, दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. तीसरा नियम बनाया गया है कि जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स नहीं करेगी, ना ही किसी व्यक्ति से इंडिविजुअल फ्रीडम जो है रिलीजियस फ्रीडम जो है उसका छीना जाएगा. The Indian states work in various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. जो Indian state है, Indian state जो है, यानी कि जो है, जो government है, उसको ये लोगों को dominate करने से रोकने के लिए, यानी कि हमारा जो constitution है, उसने जो states है, उसको religion का ताकि वो dominate ना कर सके किसी कम्युनिटी को, इसके लिए उसने कुछ तरीके अपनाए हैं, कुछ ऐसे जो है अरेंजमेंट्स किए हैं. जैसे पहला, इट यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. उसने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि वो धर्म से, यानी कि स्टेट जो है उसने अपने आप को धर्म से अलग रखा है, धर्म से दूर रखा है. द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप और नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. जो इंडियन स्टेट है वो किसी एक रिलीजियस ग्रुप के द्वारा नहीं चलाया जाता या वो किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता. ऐसा नहीं कि हिंदू मेजोरिटी में है तो हिंदुओं का सपोर्ट करे, तो ऐसा इंडिया में नहीं है. इन इंडिया द गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. इंडिया में जो है जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, जैसे कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, ये गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, ये किसी एक धर्म का ना तो प्रचार कर सकते हैं, ना किसी एक धर्म को डिस्प्ले कर सकते हैं, किसी एक धर्म का समर्थन अगर कहा जाए कि किसी एक धर्म के समर्थक को नहीं हो सकते हैं. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ पर देखिए सर गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, वहाँ पर एक जो लड़की है वो बात कर रही है अपने टीचर से, सर देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू दिस ईयर. वो अपने टीचर से पूछ रही है कि सर अगले महीने जो है बहुत ही बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है और हमने कभी भी स्कूल में इसे सेलिब्रेट नहीं किया, क्या इस साल हम इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं स्कूल में. टीचर कहता है आई एम अफ्रेड दैट इज इट पॉसिबल रेखा, दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन. प्राइवेट स्कूल में जो दैट गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन स्कूल्स प्रीमिसेस. मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम. जो उसके टीचर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट स्कूल में हैं और हम किसी एक धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते. प्राइवेट स्कूल में ऐसा पॉसिबल है क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है अपने प्रीमिसेस में जो है रिलीजियस फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम एक गवर्नमेंट स्कूल है और हमारे गवर्नमेंट हमें किसी एक धर्म का प्रचार करने का जो है छूट नहीं देती है, इस वजह से गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा पॉसिबल नहीं है. और क्योंकि ज़्यादातर फेस्टिवल जो होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल जो होते हैं वो
गजेटेड हॉलीडे होते हैं, पब्लिक हॉलीडे होता है, उसे हम अपने घर में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर वो दोनों जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में बात करते हैं, आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। जो उसका फ्रेंड होता है कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये स्कूल में पॉसिबल है, इसे हम कहीं बाहर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो रेखा कहती है एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी, कोई बात नहीं हम इसे अपनी लोकेलिटी में सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करते हैं। इन द वेब स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियंस इक्वली। जो पूरा ये जो स्टोरी अभी बताई गई इसमें जो है किसी एक रिलीजियस फेस्टिवल का स्कूल में अगर सेलिब्रेशन किया जाता है तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली, यानी कि हर धर्म को इक्वल रेस्पेक्ट करना, इक्वल ट्रीट करने की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये उसके विरुद्ध है। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन द मॉर्निंग प्रेयर थ्रू और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। जो गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी एक धर्म को किसी भी तरह से जो है प्रमोट नहीं कर सकते, चाहे मॉर्निंग प्रेयर के थ्रू या रिलीजियस सेलिब्रेशन के थ्रू। हाँ, प्राइवेट स्कूल में इस तरीके के कोई बाउंडेशन नहीं है। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अभी हमने पहली जो स्ट्रेटजी पढ़ी थी वो थी अपने स्टेट को जो है रिलीजन से अलग रखा गया है, डिस्टेंस रखा गया है। दूसरी जो स्ट्रेटजी है इंडियन सेकुलरिज्म को बनाए रखने के लिए और किसी एक को डोमिनेशन ना मिल जाए या किसी एक के द्वारा दूसरे को डोमिनेट ना किया जाए, इसको रोकने के लिए जो है गवर्नमेंट ने नॉन इंटरफेरेंस की जो है स्ट्रेटजी अपना रखी है। इट मींस दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉन इंटरफेरेंस विद रिलीजियस प्रैक्टिस द स्टेट मेक सर्टेन एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। इसका मतलब है कि हर धर्म को जो है उसके सेंटीमेंट्स को समझते हुए कुछ रिलीजियस मामलों में या कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस में गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा और कुछ मामलों में कुछ धर्म को एक्सेप्शनल जो है प्रायोरिटी दी जाएगी या कुछ जो है एक्सेप्शन जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया, दो फ्रेंड्स हैं और वो स्कूटर से जा रहे होते हैं और वो मिलते हैं रास्ते में, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन, व्हाई आरंट यू वेयरिंग अ हेलमेट, डू यू वांट टू बी फाइन। जो दूसरा दोस्त है, पहला दोस्त है, दूसरे से पूछता है कि जो है तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तुम क्या दिल्ली के रूल नहीं जानते हो कि आपको कहीं भी निकलना है तो आप हेलमेट पहन के जाएंगे, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, क्या आप फाइन पे करना चाहते हैं, आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है इसके लिए। तो जो दूसरा दोस्त है क्योंकि वो पंजाब का रहने वाला है, पंजाबी सिख धर्म को फॉलो करता है, वो कहता है डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, कोई बात नहीं चिंता मत करो मेरे पर फाइन नहीं लगाया जाएगा। हे परमजीत व्हाई डोंट यू बी फाइन, जो पहला दोस्त है पूछता है क्यों परमजीत तुम्हारे पर फाइन क्यों नहीं लगाया जाएगा। तो उसे सिख जो दोस्त है वो समझाता है फॉर सिक्स वियरिंग पगड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, एक सिख के लिए पगड़ी पहनना जो है उसके धर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट, इस वजह से गवर्नमेंट मुझे हेलमेट वेयर करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर हेलमेट, दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट्स रिकॉग्नाइज दैट वियरिंग अ पगड़ी और तरबान इज सेंट्रल टू द सिख्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउ एन एक्सेप्शन इन द लॉ। जो ऊपर जो स्टोरी अभी हमने पढ़ी उस स्टोरी में जो परमजीत है जो सिख है उसे हेलमेट पहनने के लिए जो है फाइन नहीं लगाया जाता है, इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि जो इंडियन स्टेट है वो जानता है कि सिख धर्म में पगड़ी पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है धर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो सिख होंगे वो पगड़ी धारण करेंगे तरबान पहनेंगे और इस वजह से वो उन्हें इस कानून में एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, छूट प्रोवाइड करता है और उनके धार्मिक मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करता। जो थर्ड वे है जो तीसरा वे है वो है इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, पहला था डिस्टेंस करता है अपने आप को अलग करता है, दूसरा है
कि वो कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, इंटरफेयर करता है, मतलब नॉन इंटरफेयर करता है, और तीसरा है इंटरवेंशन. यू हैव रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी, जो अभी हमने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा, उसके जो है वो उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है कि किस तरीके से इंटरवेंशन भी करता है, हस्तक्षेप भी करती है गवर्नमेंट. दिस इज ए गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस हिंदू अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर सम लोअर कास्ट विद इन इट. ये एक एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी, जिसमें जो है हिंदू धर्म में जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों को डोमिनेट करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस डिस एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी. जो है इसको रिलीजियस बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको रोकने के लिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने अनटचेबिलिटी पर बैन लगा दिया, उसको बैन कर दिया. इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इंटरवेनिंग इन रिलीजियस इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज बिलीव डिस्क्रिमिनेटेड एंड एक्सक्लूडेड एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हु आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. इस केस में क्या समझ में आता है कि गवर्नमेंट कहीं कहीं पर इंटरफेयर भी करती है, इंटरफेरेंस भी करती है, और जो है अगर उसे ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई रिलीजियस जो है कोई इस तरीके की प्रैक्टिस की जा रही है जो हमारे किसी भी व्यक्ति के किसी भी जो है सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करती है, तो वो उस मामले में हस्तक्षेप भी कर सकती है. जैसे इसमें क्या था, जो अनटचेबिलिटी है उसमें जो है जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन था, उनके फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध था. और क्योंकि वो एक इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब होता है सबको इक्वल ट्रीट करना, और वो इसके विरुद्ध था, इस वजह से गवर्नमेंट ने इस धर्म में हस्तक्षेप किया, इंटरवीन किया और उस पर बैन लगाया. तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है पर्सनल जो है लेवल पर जाकर अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई धर्म में कोई ऐसा काम हो रहा है जो डेमोक्रेसी के विरुद्ध है या किसी के फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है या किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन को का मामला है, तो वो उस मामले में हस्तक्षेप भी कर सकता है, इंटरवीन भी कर सकता है. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू.